अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसबी ट्रेनिंग एंड गाइडलाइन। मेरा नाम इरफान खान। ओके, इनिशियल वर्बल क्वेश्चंस 152 पीएमएलएम कोर्स रजिस्ट्रेशन हो गए, अभी टेस्ट भी कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे, ऑलमोस्ट इसी मई में 10 दिन में या 12 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये इनिशियल वर्बल नोट्स है, इसी के साथ नॉन वर्बल नोट्स भी है। तो कुछ मेरे बुक से आप लोगों को समझाता हूँ, बाकी आप लोगों ने बुक परचेज हुआ तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ओके, वर्बल क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर वन देखें, ये इसको सीरीज क्वेश्चंस कहते हैं। ये जो आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है इसको सीरीज क्वेश्चंस कहते हैं। जैसे कि आपको सीरीज दिया हुआ है, ये देखें 1, 10, 19, 28, फिर नीचे ऑप्शन दिए हुए, आपने इसमें करना क्या है। देखिए इसमें हो क्या रहा है, ये 1 से 10 तक कितना डिफरेंस है, इसमें 9 का डिफरेंस है। फिर आगे कितना डिफरेंस है, 10 से 19 तक, फिर 9 का डिफरेंस है। ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, यानी कि 8 हो रहे हैं, 9 9। फिर 19 में प्लस 9 करोगे तो 28 हो जाएगा, 28 में 9 प्लस करेंगे तो 37 बन जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ, 37। ये इसमें 9 9 कंजिक्यूटिवली जो है वो 8 हो रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर टू। अब इसमें फिर से वही सीरीज वाले क्वेश्चन के, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट। ये 120 है और फिर 108 है, 97, 87, 78। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, ये सीरीज चल रही है तो ऑप्शन भी दिए गए हैं। अब देखो 120 और 108 के बीच में जो है वो 12 का डिफरेंस है। अब आगे वो जो है वो कम होता जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। 108 और 97 के बीच में कितना डिफरेंस है, 11। फिर 97 से 87 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10। देखो ये कम होता जा रहा है। फिर 87 से 78 के बीच में कितना डिफरेंस है, 9। फिर 7, अब 9 हो गए तो 78 से आगे जो है वो 8 का डिफरेंस आएगा। तो 78 से जब हम लोग 8 माइनस करेंगे तो 70 इसका आंसर आ जाएगा। देखो सब माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे 12 माइनस हो रहा है, 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8। तो 78 से जब हम लोग 8 माइनस करेंगे तो ये 70 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये देखिए इंसर्ट द करेक्ट नंबर, इसमें क्या हो रहा है, 49 और 48 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1। फिर 48 और 45 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3। फिर आगे इस तरह चार है, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 5 हो गए, फिर यहाँ पे जो है वो 7 है, फिर यहाँ से 33 और 24 के बीच में 9 है। अब आगे क्या हो रहा है, 24 में हम लोग कितना प्लस करेंगे, 9 के बाद, यानी कि 2 ज़्यादा हो रहे तो 11 प्लस करेंगे, यानी 1। फिर यहाँ पे 3 प्लस हुआ, फिर 5 प्लस हुआ, फिर 7 प्लस हुआ, फिर 9 प्लस हुआ। अब आगे कितने प्लस होंगे, 11। तो 24 में जब हम 11 प्लस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 13। ओके, थोड़ा सा आगे जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, लाइट इज टू आई एज साउंड इज टू। अब लाइट जो है वो हम लोग आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, लाइट इज टू आई। तो साउंड हम लोग किस चीज़ से सुन सकते हैं, एयर से, कान से, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो कि विच नंबर कम्स नेक्स्ट, ये भी सीरीज वाला क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 और 4 के बीच में 3 का डिफरेंस है, यानी कि इसमें 3 प्लस हुआ है, 3 ऐड हुआ है। फिर है 4 और 9 के बीच में 5, यानी कि 3 5, देन 7 9 11। अब आगे 11 के बाद 2 प्लस करेंगे तो 13, 36 प्लस 13 जब हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या हुआ, 49। तो ये जो है 6 क्वेश्चंस हो गए। कुछ और भी क्वेश्चंस आप लोगों को बताता हूँ, 2-3 क्वेश्चंस जो कि डेज वगैरह से, तो वो भी चेक करते हैं। लेट्स मूव। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि इफ देयर आर 1500 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन विच 1200 आर प्रेजेंट, सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एबसेंट स्टूडेंट्स। यानी कि इसमें ये बता रहे हैं कि 1500 स्टूडेंट्स है और इसमें जो है वो 1200 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। यहाँ पे प्रेजेंट लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर 1500 में से 1200 लोग प्रेजेंट है क्लास में, तो फिर जो एबसेंट लोग हैं उनका परसेंटेज कितना बन रहा है। ये जो मेरा 152 पीएमएल कोर्स की जो एकेडमिक्स बुक है उसमें मैंने बताया हुआ है परसेंटेज क्वेश्चन, समझाए हुए हैं कि कैसे अपने परसेंटेज निकालना है। तो जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो उसका आंसर फिर 20 आ जाएगा। उसका अलग वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है, आप लोग देख लेना। इसके अलावा जो है व्हाट विल कम नेक्स्ट, यानी इस क्वेश्चन में आप देखिए व्हाट विल कम नेक्स्ट, पी देन डी देन जी के पी। अब इसमें देखो मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि इसमें हो क्या रहे हैं। एक्सप्लेनेशन में डिफरेंस बिटवीन दीज लेटर इज ऑफ सी टू ई एफ देन 3 एच आई जे। देखो
पहले में कितना डिफरेंस आ रहा है, बी और डी के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, सी का डिफरेंस है, यानी कि बी है फिर सी मिसिंग है डी है। अब आगे क्या मिसिंग है, ई और एफ मिसिंग है, जी है, फिर एच आई जे मिसिंग है, यानी कि एच आई जे 3 लेटर मिसिंग है, फिर के, ये देखो एड हो रहा है, पहले एक था फिर दो हो गए, एच आई जे 3 हो गए, अब के, एल एम एन ओ, ये देखे एल एम एन ओ कितने लेटर मिसिंग है, 4 लेटर मिसिंग है, तो फिर पी बन गया। अब हम आगे क्या करेंगे, 5 लेटर मिस करके फिर आगे जो अल्फाबेट है क्या वो लिखेंगे, यानी कि 5 अल्फाबेट हम अभी करेंगे यहाँ पे, पी क्यू आर एस टी यू, ये 5 हमने मिस कर दिए यानी कि बीच में से स्किप कर दिए, तो आगे जो है वो क्या आंसर आया है, वी। तो ये क्वेश्चंस आसान है, सिर्फ डिफरेंस को देखें कि यहाँ पे सिर्फ सी का है, यहाँ पे फिर डी ई एफ का है, 2 हो गए, एच आई जे 3 हो गए, एल एम एन ओ 4 हो गए, फिर पी बन जाता है, क्यू आर एस टी यू 5 हो गए, फिर वी बन गया, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह हम जाएंगे आगे, व्हाट कम्स नेक्स्ट, 2, 9, 14, 21, 26, ये सारे सीरीज क्वेश्चंस बहुत इजी है लेकिन लोग इसको टफ समझते हैं। अब देखें हम इसमें डिफरेंस देखेंगे, 2 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस है, 7, फिर 9 प्लस 5 14, फिर 14 प्लस 7 21, फिर 21 प्लस 5 26, अभी फिर से 26 प्लस हम लोग 7 करेंगे तो 33 बन जाएगा, ये यानी कि 7 और 5 जो है इसमें कंजिकेटिवली रिपीट होते जा रहे हैं। ओके, इसमें एक डेज वाला क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं। ओके, सो डेज वाले क्वेश्चंस करते हैं, वैसे तो बुक में जो है वो मोर देन 2000 क्वेश्चंस हैं, तो सारे तो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते, मगर आप लोग बुक लेंगे तो उसमें खुद समझ आ जाएगा आप लोग को। तो ये डेज वाले क्वेश्चंस हैं कि इफ़ टुडे इज संडे, अगर आज जो है वो संडे है एंड इट्स 5th डे ऑफ मंथ, ठीक है, यानी कि एक मंथ है, फॉर एग्जाम्पल 30 दिन का मंथ है, ये 31 का जिसका भी है, तो आज उसका 5वां दिन है और दिन कौन सा है, संडे, वट विल बी द डे ऑन 26th ऑफ दिस मंथ, यानी कि इसी मंथ के 26 तारीख को, या 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, अगर 5 को जो है वो संडे है तो 26 को फिर कौन सा दिन होगा, ठीक है, हम इसमें देखेंगे। इसमें लोग क्या करते हैं कि अच्छा संडे है 5th डे, तो फिर ये लोग फिंगर टिप पे जो है वो काउंट करते हैं कि 6th डे को जो है वो मंडे हो गए, 7 को तो फिर वो ट्यूसडे हो गए, 8 को वेनसडे हो गए, इस तरह वो करते करते इसमें जो है 4 से 5 मिनट लग जाते हैं और आपका टेस्ट फेल हो जाता है, इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसका इजी ट्रिक ये है कि अगर 5th डे पे जो है वो संडे आ रहा है तो 5 में जो है वो 7 प्लस कर ले, 7, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो या 5 में 7 प्लस करेंगे तो ये 12 हो गए, यानी कि 12 को फिर से संडे हो गया, फिर 12 में फिर से 7 प्लस कर ले जो कि 7 डेज है वीक में, तो 19 हो गया, 19 को यानी फिर से संडे हो गया, अभी 19 में अब फिर से जो है वो 7 प्लस कर ले तो ये हो गया 26, यानी 26 को फिर से क्या आया, संडे आया। इसी तरह अगर आपको जो है वो ये कहे कि इफ़ टुडे इज थर्सडे एंड इट्स 6th डे ऑफ मंथ, अगर 6 तारीख को जो है थर्सडे है तो फिर आप उसमें फिर से 7 प्लस कर लो, यानी कि 6 प्लस 7 इज 13, फिर से वो आ गया थर्सडे, तो इस तरह जो भी आप 7 7 प्लस करते जाओगे, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो इसमें 7 7 प्लस करते जाओगे आपको जो है वो 15 से 20 सेकंड में आपका आंसर मिल जाएगा, आपका टाइम भी बच जाएगा और वहाँ पे टेस्ट भी क्लियर होगा, तो ये है टाइम मैनेजमेंट का तरीका। ओके गाइस, सो आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय की होगी, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, और भी वीडियोज आएंगे। थैंक यू।